आपका क्या विचार है? आपका मूल्य क्या है? मतलब आप अपने आप को बेचेंगे तो आपको कितना मूल्य मिल सकता है? आइए आज इसके बारे में हम विचार करें। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड प्रस्तुत करता है जीवन का मूल्य या स्वयं का मूल्य। हम जब अपने दैनिक जीवन जीते हैं, हमें कभी लगता है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं, और कुछ क्षण तुरंत बाद ही हमें लगता है कि हम कोई काम के नहीं हैं। हमारे बुजुर्गों के पास में, बड़े लोगों के पास में यदि हम बैठे हैं तो लोग अपना दर्द व्यक्त करते हैं। फादर, हम एक जमाने में हम बहुत ज्यादा काम करते थे, लोग हमसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि हमारे पास शक्ति थी, हमारे पास पैसा था और हम कुछ काम के थे, लेकिन आज हमारा कोई मूल्य नहीं है। हमारे बच्चे भी इस इंतजार में है कि हम जल्दी मर जाएं। बहुत दुख की बात है। हम ये केवल बड़े लोगों की बात नहीं, आप युवक युवतियों के पास बैठिए, उनका दर्द और ज्यादा है क्योंकि युवा अवस्था में लोग ये चाहते हैं कि लोग उनको पसंद करें, उनसे बातें करें, लोग उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दें। लेकिन कभी कभी ये मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कभी अपने दोस्तों के बीच में रहते समय यदि ये दूसरों से बेहतर कुछ कर सकते हैं तो इन्हें अपने पर कुछ गर्व लगता है और इन्हें लगता है कि मैं कुछ काम का हूं, मेरा कुछ मूल्य है। और यही बात जब वो दूसरों के सामने, दूसरों की तुलना में उस क्षेत्र में उतना ही नहीं कर पाते हैं तो ये अपने नजर में ही गिर जाते हैं। अपने शरीर देखकर और यहां तक कि अपने गुणों को देखकर भी लोगों को अपने पर एक प्रकार से अपने आप को नीचा दिखाने का काम भी हम करते हैं। ये बात बुजुर्ग और युवक युवतियों के लिए केवल नहीं, शादीशुदा लोगों के लिए भी। जैसे विवाह के कुछ 5-6 साल बाद, यदि कम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम देखे हैं लोगों को जैसे विवाह के बाद में 1-2 बच्चे हो गए तो पति पत्नी के बीच में वो जो प्रारंभिक जो प्यार रहा वो नहीं रहता है। एक प्रकार से अभी दोनों एक साथ रहते हैं, इन पत्नी को ये लगता है कि पति जैसे पहले मुझसे प्यार करते थे, मुझे जैसे पहले महत्व देते थे, आज वैसे नहीं देते हैं। पति को भी यही लगता है कि पत्नी जैसे पहले प्यार करती थी वैसे अब मुझसे प्यार नहीं करती। दोनों एक दूसरे को एक प्रकार से गिराने का, जो मूल्य उनको देते थे वो अभी नहीं देने की बात होती है। इस संदर्भ में यदि हम अपने आप से पूछें मेरा मूल्य क्या है, मैं कितना महत्वपूर्ण हूं, मुझे नहीं पता हमें क्या जवाब मिलेगा। आपके विचार में आपका मूल्य क्या है? आप कितने महत्व रखते हैं? आज इसी के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। जैसे कोई भी चीज का मूल्य उस मार्केट में, जिस क्षेत्र में इसको बेचा जाता है, वहां जाके हमें पता लगाने से ही उसका वास्तविक मूल्य हमें पता चलेगा। जैसे मैं एक छोटा सा गांव में हूं, यहाँ जो भी सब्जी का उत्पादन होता है, जैसे मान लीजिए फूल गोभी, हमें एक पीस फूल गोभी हमें मान लीजिए कहीं कहीं 5 रुपया में, 8 रुपया में, 10 रुपया में मिल जाता है। आप उसी को शहर में जाके बेचिए, वहां कहीं कहीं मार्केट में आपको 30-40-50-60 रुपया में भी नहीं मिलेगा। तो जगह के अनुसार
उसका मूल्य बदल रहा है, उसके मांग के अनुसार उसका मूल्य बदल रहा है। उसी प्रकार एक बहुत कीमती एक पत्थर हमें मिल जाए, हमारे लिए उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका व्यापार करते हैं उन्हें ही मालूम है उसका मूल्य क्या होता है, कोई मोती का भी। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को 1000 का एक नोट दे दीजिए, क्या उसका मूल्य उसको मालूम है? नहीं, वो एक साधारण कागज के समान उसके साथ खेलकर हो सकता है उसको फाड़ के फेंक देगा, क्योंकि उसको उसकी जानकारी नहीं है। क्या आपको आपका मूल्य मालूम है? हम हमारे मूल्य को दूसरे के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। मनुष्य हमसे जैसे व्यवहार करते हैं, हम जो कार्य कर सकते हैं उसके आधार पर, और हमारे बाहरी जो सुंदरता है जैसे दुनिया कहती है उसके आधार पर हम अपना मूल्य रखते हैं, परखते हैं और हमें हम मान सम्मान देते हैं। लेकिन वास्तव में किन से पूछना चाहिए कि आपका मूल्य क्या है? किन से मैं पूछूं कि मेरा वास्तविक मूल्य क्या है, मेरा वास्तविक कीमत क्या है? हम गलत व्यक्तियों से पूछें तो उसका सही जवाब नहीं मिलेगा। गलत व्यक्तियों के पास आप जाकर सही जवाब मत ढूंढिए। तो सही व्यक्ति कौन है? आपके माता पिता भी नहीं, आपके दोस्त मित्र भी नहीं, आपके शिक्षक शिक्षिकाएं भी नहीं, ये दुनिया नहीं। जिसने आपको बनाया है आप उससे पूछिए कि आपका मूल्य क्या है, आपका कीमत क्या है। आइए हम ईश्वर से पूछते हैं, जो आपको बनाया है, अपने हाथों से आपकी सृष्टि की है, उनसे हम पूछते हैं। इसका जवाब ईश्वर नबी इसायास के द्वारा अध्याय 43 पद संख्या 4 में, चैप्टर 43:4 में कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। केवल दो वाक्य हैं लेकिन तीन बातें बताई गई हैं, कितना गहरा है आप देखिए। ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। क्या हमारे माता पिता हमसे हर बार ऐसे कह सकते हैं? आप कैसे भी हो, आप ये बात कोई मान्य नहीं रखता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई काम के हैं कि नहीं है, पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, धनवान हैं कि गरीब हैं, कोई मतलब नहीं। बस यह कि आप एक मनुष्य हैं जो ईश्वर अपने हाथों से बनाया है, बस इतना ही पर्याप्त है। इतना में ही ईश्वर कहते हैं कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। तो इसलिए हमें पता लगाना है कि हम किसकी दृष्टि से हम अपने आप को देखते हैं। दुनिया में मनुष्य मतलब ही है। जब हमें कोई काम या जरूरत पड़ता है हम दूसरों के पास जाते हैं, वो दूसरे व्यक्ति हमारे लिए मूल्यवान हो जाते हैं। यह हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति, माता पिता भी, हम ये देखते हैं। लेकिन ईश्वर की दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, ये बात ईश्वर हमसे कह रहे हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। महत्व रखने की बात, महत्व यानी हमारे बिना ईश्वर को अधूरा लगेगा, ये बहुत बड़ी बात है। आपके बिना ईश्वर को अधूरा लगता है, क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? हमारे यार मित्रों को हो सकता है उन लोग बोलते हैं कि आपके बिना मुझे बहुत अधूरा लगता है, ये कुछ समय के लिए है, लेकिन ईश्वर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपके बिना उन्हें अधूरा लगता है। आप इस बात को अपनाइए, स्वीकार करिए कि आप ईश्वर के लिए महत्व रखते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये प्यार का शब्द ना बहुत गलत रीति से आज दुनिया में हम उपयोग करते हैं।
लेकिन बाइबल के अनुसार ये प्यार का मतलब क्या होता है? ये प्यार का मतलब यह है, देना। क्या देना? इसका जवाब योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हमें मिलता है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। देखिए, प्यार देता है। क्या देता है? अपने आप को देता है। और यहां ईश्वर अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिए, क्योंकि वे दुनिया से आपसे प्यार करते हैं। आपका मूल्य यह है कि ईश्वर आपसे प्यार करते हैं और उस प्यार के वास्ते अपने पुत्र को अर्पित कर दिए, दे दिए। ये कितना बड़ा प्रेम है कि आप ईश्वर के नजर में, ईश्वर की दृष्टि में कितने मूल्यवान हैं। आप देखिए, ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को ही दे दिए। क्यों देने की जरूरत है? क्यों दिए? इसका जवाब हमें मिलता है कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 और 20 में हम पढ़ते हैं। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। किसी ने आपको खरीद लिया है, मोल लिया है, अपना लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। बहुत बड़ी बात। हम कितने बार अपने माता पिता को या बहुत बड़े लोगों को या अपने आप से हम कहें हैं, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं मैं करूंगा, तुम्हें इससे क्या मतलब, ये मेरी जिंदगी है। इन आज ईश्वर हमसे कह रहे हैं, तुम अपने नहीं हो, तुम मेरे हो। मैं तुम्हें खरीदा हूं, मैं कीमत दिया हूं तुम्हें अपनाने के लिए। तो क्या कीमत है? जवाब मिलता है पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 में। आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसी नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। यानी आपकी मुक्ति, आपकी खरीदी या आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर। यही है आपका मूल्य। आपका मूल्य है मसीह का मूल्यवान रक्त। मसीह का मूल्यवान रक्त, ईश्वर के इकलौते पुत्र के रक्त। रक्त का मतलब, वचन में रक्त का मतलब जीवन है। जीवन रक्त का मतलब। क्या हम इस बात को स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं? इस दुनिया में जब हम अपने नजर में ही अपने आप को इतना गिरा देते हैं, अपने आप को इतना छोटा मानते हैं, आज हमें बनाने वाले, आपको बनाने वाला वो ईश्वर आज आपसे कह रहा है कि आपका मूल्य उनके पुत्र के जीवन है। ईश्वर के पुत्र का जीवन का मूल्य है आपका मूल्य। वो कीमत है, उस कीमत को देकर ईश्वर आपको खरीदे हैं। जब हम दुकान में जाते हैं कोई खरीदने के लिए, कोई भी चीज खरीदने के लिए, तो हम देखते हैं कि जो मूल्य हम देते हैं उसके बराबर की चीज हमें मिलती है। जैसे आप 5 रुपया दीजिए, आपको 5 रुपया का पेन मिलता है। 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया का पेन मिलेगा। 10 रुपया में आपको 25 रुपया का पेन नहीं मिलेगा। तो 10 रुपया बराबर 10 रुपया का पेन। उसी प्रकार यदि ईश्वर हमें खरीदने के लिए, हमें अपनाने के लिए अपने पुत्र का मूल्य दिए हैं, अपने पुत्र को देकर हमें खरीदे हैं, हमें मोल लिए, हमें अपना लिए हैं, तो इसका मतलब ईश्वर की दृष्टि में आप उनके पुत्र के मूल्यवान जीवन के बराबर हैं। यानी उनके पुत्र के बराबर ईश्वर आपको रख कर देख रहे हैं, इतना आप मूल्यवान हैं। जैसे हमने नबी इसायास के द्वारा उनकी बातों को हमने सुनी है, क्या इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं, अपना सकते हैं?
आइए हम अपनी आंखें बंद करें। जो भी बातें अभी अभी हमने सुनी है इसको आप अपनाइए। ये कोई साधारण मनुष्य आपसे नहीं कह रहे हैं, ये स्वयं ईश्वर आपसे कह रहे हैं, बेटा या बेटी तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम महत्व रखते हो, तेरे बिना मुझे बहुत कमी महसूस होती है, तेरी अनुपस्थिति के अनुभव में करता हूं, मुझे बहुत दुख होता है जब तुम मेरे साथ नहीं रहते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हें खरीदने के लिए, तुम्हें मोलने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए, तुम्हें मेरे पास रहने देने के लिए मैंने अपने इकलौते पुत्र का जीवन दे दिया, मैं उसे दे दिया, उसको अर्पित कर दिया ताकि मैं तुम्हें अपना सकूं, तुम मेरे साथ रह सको, तुम मेरी बेटी मेरा बेटा बन सको, इसलिए मैंने ये सब दे दिया। लेकिन आज भी तुम मेरे दृष्टि से तुम अपने आप को नहीं देखते हो, तुम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखते हो, समाज की दृष्टि से देखते हो, अपने मित्र दोस्तों के दृष्टि से देखते हो, लेकिन क्या कभी तुमने अपने आप को मेरी दृष्टि से देखे हो? मुझे बहुत दुख होता है जब तुम अपने आप को दूसरों की दृष्टि से देखकर अपने आप को नीचे गिरा देते हो, अपना मूल्य नहीं समझ पाते हो, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि तुम्हें अपनाने के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र को दे दिया था, उसको क्रूस पर बलि चढ़ने के लिए, अपने आप को अर्पित करने के लिए मैं उसको दे दिया था तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, शायद तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे हो। हम प्रार्थना करें। तेरे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के हमारे इस सुंदर वचन के लिए, इस बात के लिए कि हम आपकी दृष्टि में मूल्यवान हैं और आप हमारे लिए एक विशेष योजना रखे हैं, आप हमें अपनाने के लिए, खरीदने के लिए, मोल लेने के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिए, उनके जीवन के मूल्य पर आप मुझे खरीदे हैं, उस कीमत पर आप मुझे अपना लिए हैं। प्यारे पिता मुझे कृपा दीजिए कि मैं सदैव आपके इस प्रेम को समझकर अनुभव करते हुए जीने और आपके दृष्टिकोण से अपने आप को देखने, दूसरों को भी देखने और उसके अनुसार जीने की कृपा हमें प्रदान कर प्रभु। हे प्रभु यीशु, सदैव हम आपके अधीन में रहकर, आपके साथ रहकर, अपना मूल्य समझकर जीने की कृपा हमें प्रदान कर। मैं प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आज से कोशिश करिए अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखिए, लोगों की नहीं, अपना कीमत पहचानिए और प्रेम से जिए, अपना मूल्य पहचानिए, आप यीशु के जीवन के मूल्य के बराबर है।